हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बेंगलोर शहर को। बेंगलोर जिसका ऑफिशियली नाम है बेंगलुरु। बेंगलोर बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज इन द कंट्री। इट हैज कम अंडर ऑलमोस्ट एवरीवन्स रडार, बट हाउ मच डू यू रियली नो अबाउट दिस सिटी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इंडिया की सिलिकॉन वैली हब बेंगलोर शहर को और जानते हैं इस शहर के बारे में कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका की राजधानी शहर है बेंगलोर। पिछले कुछ सालों में भारत का यह शहर बेंगलोर में काफी सारे चेंजेस आया है। इंडिया की आईटी सेक्टर में बेंगलोर सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाला शहर है, जिस वजह से बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाहर के देश से भी काफी सारे लोग बेंगलोर में काम करने के लिए आते हैं। बेंगलोर एक ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। बेंगलोर 709 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी करीब 1 करोड़ के आसपास है। आबादी के लिहाज से बेंगलोर इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। बेंगलोर सी लेवल से 3020 फीट की ऊंचाई पर बसा है, जिसका मतलब है ये देहरादून शहर से भी ऊंचाई पर बसा है, जिस वजह से बेंगलोर में साल भर एक अच्छा सा क्लाइमेट रहता है। सिटी ऑफ लेक्स। बेंगलोर में 25 लेक है, जो न सिर्फ पूरे शहर को पानी मुहैया कराता है, साथ में शहर को एक अच्छा सा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। बेंगलोर में सिर्फ लेक्स ही नहीं, शहर के अंदर गार्डन भी मौजूद है। बेंगलोर का लालबाग बोटानिकल गार्डन फेमस जगह में से एक है। यहाँ पे हजार से भी ज्यादा फूल और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन गार्डन के वजह से काफी सारे पक्षियां भी आते हैं और शहर इन पेड़ों के वजह से बेंगलोर के एनवायरमेंट का संतुलन बना रहता है। दोस्तों, सुनने में भले ही अजीब लगता हो, लेकिन दिल्ली और मुंबई जैसे शहर से भी आगे 1905 में बेंगलोर में इलेक्ट्रिक सिटी आ चुका था। बेंगलोर इंडिया का पहला शहर है जहां पे सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इस्तेमाल करके शहर में इलेक्ट्रिक सिटी चालू किया गया था। बेंगलोर अपनी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आईटी कंपनीज के लिए दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स बेंगलोर में ही रहते हैं। यहाँ पे करीब 1,000,000 आईटी प्रोफेशनल्स रहते हैं। इनमें से भारतीय नागरिक के अलावा भी बाहर के देश के लोग भी शामिल है। इंडिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी बेंगलोर में ही मौजूद है। इंडिया की दो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस और विप्रो की हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में मौजूद है। तो आप इमेजिन कर सकते हो बेंगलोर टेक्नोलॉजी के मामले में कितना एडवांस है। आईटी हब में भी बेंगलोर भारत का फोकल पॉइंट है, जिस वजह से बेंगलोर में इतने सारे इंजीनियर्स और आईटी एक्सपर्ट रहते हैं। बेंगलोर में 21 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जो भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा है। बेंगलोर इंडिया का तीसरा सबसे ज्यादा पार्क कैपिटल वाला शहर है। इसके अलावा इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट सिटी के लिस्ट में और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज के लिस्ट में बेंगलोर चौथे नंबर पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, बेंगलोर के GDP 70.8 USD है और इसकी एनुअल ग्रोथ रेट है 8.5%। दोस्तों, कुछ इकोनॉमी एक्सपर्ट का कहना है जिस तेजी के साथ बेंगलोर आगे बढ़ रहे हैं, 2035 तक इसकी GDP डबल होने की पॉसिबिलिटी है। बेंगलोर भारत का उन शहरों में से एक है जहां पे लोग कामकाज करने के साथ साथ शहर में बस भी सकते हैं। हालांकि बेंगलोर जैसे शहर की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा है। बेंगलोर में इंडिया की सारे धर्म के लोगों की धार्मिक स्थल मौजूद है। यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सबसे ज्यादा बने हुए हैं। बेंगलोर मेट्रो, जिसे नाम्मा मेट्रो नाम से भी जाने जाता है, 20 अक्टूबर 2011 में पहली बार नाम्मा मेट्रो को चालू किया गया था। बेंगलोर में दो लाइन अभी ऑपरेशनल है, एक पर्पल लाइन और दूसरा ग्रीन लाइन। टोटल यहाँ पे 40 स्टेशन है। बेंगलोर मेट्रो से सालाना 131.7 मिलियन लोग ट्रेवल करते हैं। बेंगलोर में 300 साल से भी ज्यादा पुराना प्राकृतिक चट्टान मौजूद है। ये एक समतल भूमि से निकलता है और करीब 16 एकड़ जमीन के अंदर फैला हुआ है। इंडिया के नोबेल प्राइज के लिए सबसे ज्यादा नॉमिनेशन बेंगलोर शहर से ही है। सर सीवी रमन फिजिक्स के लिए 1930 में नोबेल प्राइज भी जीता था। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, स्पोर्ट्समैन अनिल कुंबले, रविन उथप्पा, राहुल द्रविड़ जैसे फेमस पर्सन बेंगलोर शहर से ही है। साल 2008 में बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ओपन किया गया था। करेंटली बेंगलोर एयरपोर्ट इंडिया का 3rd बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बाई ओवरऑल पैसेंजर ट्रैफिक, और रोजाना कई सारे इंटरनेशनल उड़ान यहाँ से उड़ान भरते हैं। बेंगलोर में शिक्षित लोगों की परसेंटेज है 87.67%। बेंगलोर में इंजीनियरिंग, आईटी, आईआईटी को छोड़कर भी बेंगलोर यूनिवर्सिटी,
जैन यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, रेवा यूनिवर्सिटी जैसे परिचित यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। दोस्तों, मालगुडी डेज हम सब ने अपनी स्कूल लाइफ में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है मालगुडी डेज की स्टोरी को बेंगलोर शहर से इंस्पायर होकर ही बनाया गया है। दोस्तों, बेंगलोर मतलब आईटी हब, इंजीनियरिंग कॉलेज और सिर्फ कामकाजी नहीं है। बेंगलोर में एक वाइब्रेंट लाइफस्टाइल मिलता है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पब आपको बेंगलोर में मिल जाएंगे। बेंगलोर में एक एक्साइटिंग नाइट लाइफ मिलता है। बेंगलोर को बायोटेक कैपिटल भी कहा जाता है। शहर में हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मौजूद है। इंडिया में ऑलमोस्ट 47% बायो कंपनी बेंगलोर में ही है। बेंगलोर में ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नाडा, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश से भी लोग बात करते हैं। फूड, बेंगलोर आने पे आपको लोकल स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करना चाहिए, जिसमें इडली, वड़ा, डोसा जैसे साउथ इंडियन खाना शामिल है। इसके अलावा चाट एंड पानी पूरी, रोल कबाब, मैंगलोर बांस, उबट्टू, भाजी, मोमोज जैसे चटपटे खाना बेंगलोर के सड़क में मिल जाएंगे। बेंगलोर में कई सारे फेमस टूरिस्ट प्लेस मौजूद है जहाँ पे आपको जरूर विजिट करना चाहिए। लालबाग बोटानिकल गार्डन, काबोन पार्क, बेंगलोर पैलेस, बायोलॉजिकल पार्क, टीपू सुल्तान समर पैलेस, नंदी टेम्पल और भी कई सारी जगह इसमें शामिल है। दोस्तों, बेंगलोर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग भी काफी वेलकमिंग है। शहर में साल भर एक अच्छा सा वेदर बना रहता है जो इस शहर को और ब्यूटीफुल बनाता है। तो आपको बेंगलोर शहर कैसी लगी और कौन सी चीज बेंगलोर की सबसे अच्छी लगी कमेंट पे जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।